आपका जो ब्रेक है ना बराबर है भाई, मेरा तो अंदर ही घुस जाता है। अभी भाई गाड़ी उन्होंने बताया 27 का माइलेज दे रही है, तो ये रही अपनी गाड़ी, ये रही उनकी गाड़ी, तो दो। हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज जो है ना मतलब जुकाम अभी तक ठीक नहीं हुआ है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो पता चलेगा। और ये जो है ना मेरा सीन, ये मेरे को है ना हमेशा भूल जाता हूँ मैं, ये लगवाना है इसके अंदर सिर्फ है ना, ये लगना है यार इसके अंदर क्लिप। तो ये क्लिप मेरे को है ना 10-15 रुपए का ही मिलेगा, लेकिन यहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा वही देखना पड़ेगा, वहाँ मिल जाएगा तो फिर उसको लेके इसके अंदर लगा देना है बस भाई। ये काम नहीं हो पा रहा है मेरा, बाकी सब हो जा रहा है बस ऐसा है। गाड़ी वाड़ी पर फ्यूल वगैरह बराबर है, गाड़ी जो है गंदी बहुत हो रखी है, तो यार इसको धुलवाना भी है, तो धुलवाने के लिए टाइम निकाल के फिर इसको एक बार धुलवा देंगे। बाकी अभी तो चलो चलते हैं, आपको एक बढ़िया जगह लेके चलते हैं, देखे गाड़िया क्या, आज एक बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट देखने को मिलेगा। बाकी भाई लाइक करना है, सब्सक्राइब कर देना, 1000 सब्सक्राइबर करवा दो यार, क्या पता इस ब्लॉग का आते आते हो जाए या फिर नहीं हो, तो भाई करवा देना ठीक है, 1000 हो गए होंगे तो 2000 करा देना। चलो मिलते हैं। गाइस निकल चुके हैं हम लोग, और गाड़ी थोड़ी मैं आराम से चला रहा था ताकि, अरे यार थोड़ी तेज चला रहा हूँ निकल रहे हैं अभी गौतम भाई के पास जा रहे हैं, उनके यहाँ पर थोड़ा काम है। कि कल मैंने जो वीडियो शूट किया था ना यार, वो अभी तक रह गया है, तो वीडियो शूट किया था वो रह गया, अभी एडिट करना है तो मैं वहीं बैठ के एडिट करूंगा। और अपने एक भाई है जो अपने जिन्होंने हमें वो दिया था एसी वेंट, पूजन भाई आने वाले हैं, तो लेट्स सी उनकी जो कार है ना आज उसका ओनरशिप रिव्यू करेंगे, जो कि अपने मेन चैनल पर भी डालेंगे और इस वाले ब्लॉग में भी उनसे मिलवाऊंगा आपको ठीक है। तो उनकी जो डिटेल्स वगैरह अगर आप ब्लॉग मेन चैनल पे ना देखो तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जो है बता देंगे, बाकी तो मेन सारी चीज़ें आपको वहीं पर मेन अपने वीडियो पे देखने मिलेगी चैनल पे, वहाँ पर जाके चेक कर लें। और उस पर हम लोगों ने 60,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया भाई मेन चैनल पे हमारे, और इस पर भाई 1000 सब्सक्राइबर करा दो, बस 1000 करा दो यार, और क्या ही है तुम्हारे लिए, तो भाई ये बच्चों का खेल है, करा दोगे, तुम्हारे हाथ में ही है सब कुछ, तुम्हारे हाथ में ही है प्यार देना, क्या बोलते बराबर। चलो पहुंच गए यहाँ पे, गाड़ी अपनी वहाँ खड़ी है, और ये पता नहीं है क्या कर रहे हैं, शायद गौतम भाई तो नहीं है, नहीं गाड़ी अपनी लगती कितनी जबरदस्त है यार, देख रहे हो चमक रही है। अभी चलते अंदर, शायद अंदर ही बैठे हुए, तो वहाँ जाके थोड़ी देर बैठ के मैं जो है एडिटिंग वगैरह है वो अपना कम्प्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है भाई आएंगे उसके बाद जो वीडियो है वो कम्प्लीट करना है, तो जल्दी जल्दी इसको भी अपलोड कर देते हैं, उसको भी आएंगे उसको भी शूट करके उसको भी अपलोड करेंगे जल्दी जल्दी ठीक है। तो भाई मेरे साथ अभी है पूजन भाई, तो हम लोग मेरे को जिन्होंने अपना एसी वेंट दिया था ना वो गाड़ी का, तो ये रही अपनी गाड़ी, ये रही उनकी गाड़ी, तो दो नैनो है आज, तो इनकी गाड़ी का जो हम लोग करने वाले हैं अभी ओनरशिप रिव्यू, तो वही लेके चलेंगे। एंड देखते हैं एलेक्स में जो क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि इसके अंदर मैक्सवेल वाला वेरिएंट है, दो पावर विंडोज आती है और पीछे स्पॉइलर भी आता है, बड़ी मस्त लगती है। तो अभी चल के इनका पहले काम करते हैं भाई का ठीक है, एंड उसके बाद जो मेन चैनल पे इनका सब कुछ जो है वीडियो देखने के लिए मिलेगा। चलो एसी नहीं चल रहा ना आपका? नहीं एसी में, वो एसी हो चुका है एक्सीडेंट की वजह से। ये ठीक है यार, छोटा सा लगता है, मेरी गाड़ी में तो कितना बड़ा है हाँ यार वो बहुत लंबा ऊंचा है, मतलब ऐसा लगता है ट्रैक्टर का है। वाह मतलब एलेक्स से भी चलाने के बड़े मजे हैं, ये सीट थोड़ी पीछे सी हो गई वही। बहुत जबरदस्त चल रही है भाई, अगर ये स्टीयरिंग को अलग हो तो आपको फील अलग आती है उसमें ड्राइव करने की, एक कॉन्फिडेंट फील देता है ये चीज। इसका हॉर्न अंदर नहीं सुना देता आपको? इसका हॉर्न अंदर नहीं सुना देता आपको? हां वो इधर ही पास में ही लगा है ना यार इसके लिए, और इसमें ज्यादा डिफरेंस ज्यादा दूरी नहीं है इसकी वजह से ऐसा लगता है, काफी सही चलती है भाई। आपका जो ब्रेक है ना बराबर है भाई, मेरा तो अंदर ही घुस जाता है ऐसा। हां अभी तो वो कराया था ठीक। अच्छा थोड़ी पावर स्टीयरिंग की लग रही है भाई? नहीं नहीं स्मूथ है, स्मूथ है भाई, स्मूथ है, क्योंकि मेरी गाड़ी भी जो है ना थोड़ा हार्ड होगा आपका। हाँ मे भी शायद मेरे हल्का सा लगता है इसका, इसका हॉर्न और मेरे हॉर्न में बड़ी काफी डिफरेंस है। अच्छा इसका गियर बॉक्स मेरे को काफी पसंद आया भाई स्मूथ है, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छा छोटा है ना? हाँ हाँ मेरा भाई बहुत लंबा सा है वो नीचे पूरी ठंडी थी वो मैंने नोटिस ना। हाँ इसके अंदर एक्चुअली ये लगा हुआ है ना पूरा बॉक्स वगैरह पूरा फाइबर का फिनिशिंग है, मेरे में उतना ही है, इधर तक ही है सिर्फ गियर बॉक्स तक ही है, कप होल्डर वगैरह इसके अंदर मिल जाते हैं, पावर विंडो के लिए सब चीज़ें रखी है ना। अच्छा इसके अंदर जा सकती है गाड़ी,
तो भाई मैंने और पूजन भाई ने अभी अभी शूट किया बढ़िया सा वीडियो और गाड़ी के बारे में एकदम मस्त। भाई इसका एक बार साउंड सुना ना कि गाना बढ़ाओ बढ़िया सा। तो साउंड है ना इसके अंदर सिस्टम थोड़ा अलग ही डिफरेंस लगा रखा है, इस तरीके का लगा रखा है भाई ने। अभी एक वायरल सॉन्ग सुना था आपने? हाँ भाई पूरा गोबर वगैरह लगा रखा है भाई ने। ये कहाँ से लगवाया था आपने? साउथ से लगवाया था भाई। भाई बस गाड़ी में एसी का काम बाकी है, बाकी तो ऑलमोस्ट टनाटन रखी है गाड़ी। एसी रनिंग कंडीशन में था बट एक्सीडेंट की वजह से फिर वो बंद हो गया। कोई नहीं, करा लेना जल्दी जल्दी, फिर इसको भी लेके चलेंगे किसी दिन राइड पे। ये मुझे है ना ये जो पार्ट है ना भाई ये लगवाना पड़ेगा अपनी गाड़ी में। और इसका जो गियर है ना यार ये मेरे को काफी सही लगा, ये थोड़ा ठीक है यार, थोड़ा भरा पड़ा मेरी गाड़ी में तो बोरा इतना बड़ा जाता है ना भाई वो। अच्छा। और थोड़ा टाइट भी है ये तो अच्छा लगा। चलो अभी क्या ना भाई मैं भी दूसरी सीट पे आया हूँ आराम से। इसका सीट कवर भी भाई साहब बढ़िया है, फॉर्म ही है भाई, मेरी सीट से काफ़ी बढ़िया है। तुमने फिटर भी फिट कर दिया के सीट वगैरह भी काफ़ी फॉर्म वगैरह बढ़िया है भाई, अंदर लग रहा है मस्त मस्त है, मतलब गाड़ी एकदम परफेक्ट है भाई। पावर विंडो मिल जाते हैं क्या जी है भाई, देख रहे हो जादू काफी पावरफुल ही है पावर विंडो। तो भाई सारा काम शाम सेट हो जा रही, नींद में जा रहा हूँ घर की साइड और फिर नींद थोड़ी पूरी कर लेते हैं। और आए थे नैनो में और जाएंगे भाई बाइक पे, जो गाड़ी अपने पास ये रख के चाप। अब गाड़ी का खड़ी है वो देखना पड़ेगा, बाकी तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है यार अभी भाई। गाड़ी उन्होंने बताया फिर 27 का माइलेज दे रही है, तो कितनी ज़बरदस्त गाड़ी है भाई है ना, नैनो 27 का माइलेज। उससे पहले भाई ड्यूक फ़ोन करते थे, ड्यूक में जो है उनकी जो माइलेज है, ड्यूक तो आप जानते हैं कितना 20-22-25 का ही माइलेज देती है, वही माइलेज आपको यहाँ पर चार गाड़ियाँ मिले, चार पहिए मिल जा रहे हैं, उसके साथ साथ आप चार लोग को बैठा के लेके जा सकते हो, खुद की गाड़ी है कार है तो क्या ही होता है। ठीक है अभी है ना, अभी प्लान उनके साथ भी कर रहे हैं कि उनके साथ कोई लंबी ट्रिप मारे, उससे पहले अपनी जो ट्रिप है कि उज्जैन की और सारंगपुर हनुमान जी की जो कि करेंगे, लेकिन उससे पहले जो गाड़ी में थोड़ा बहुत काम कराना है तो वो अपना करा लेंगे। और मॉडिफिकेशन जैसे कि विनाइल रैप की अगर बात करें तो अंदर पूरा डैशबोर्ड है वो कार्बन फाइबर कराना है, कार्बन फाइबर मतलब रैपिंग कराएंगे, कार्बन फाइबर कहाँ ही कराएंगे, इतना दे तो पता नहीं 50 नैनो हो जाएंगे कार्बन फाइबर खरीदने जाएंगे। तो चलो अपनी पल्सर 220 पे निकलते हैं अभी। भाई अभी घर पे आया और सो गया था थोड़ी देर, और अभी आराम करके उठाऊँ और टी शर्ट वगैरह चेंज कर लिए। तो भाई गाड़ी तो यार देखो आज ब्लॉग हो गया है, उससे पहले आज वो एडिटिंग वगैरह भी करना, ये वाला ब्लॉग भी मिल जाए अभी एडिट करके अपलोड करना तो मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। तो भाई सब्सक्राइब कर लेना ठीक है, अपना 10,000 का गोल है नेक्स्ट, जल्दी जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर कराओ और वीडियो जल्दी जल्दी शेयर करो अपने फ्रेंड लोग के साथ जिससे कि भाई सबको पहुँचे। बाकी तो सब बेस्ट है, चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय भोलेनाथ।